जैन होने के बावजूद जो है इसके पहले जब लखनादून में रहा है वो और सिवनी थाने में भी रहा है तो गौ कसी के केस में इन्वॉल्व रहा और मुस्लिम लोगों से उसके कॉन्टेक्ट ज़्यादा नहीं है और गौ कसी हाँ ये करता है साहब 100% करता है। इसकी धनौरा ससुराल है और इसकी ससुराल में प्रमुखता से जुआ सट्टे की धंधा है इसकी ससुराल में। एक्चुअली ये अराजक आदमी है। हम आपसे पहले बोलने वाले थे कि साहब उसको मत करिए लेकिन वो क्या हुआ कि वो हमारी बातचीत के पहले ही जो है वो आपने कर दिया वहाँ पे। तो जिनकी तरह वो अध्यक्ष जी मैं साहब थोड़ा सा आपसे अनुरोध कर रहा था। अध्यक्ष जी अभी नए नए अध्यक्ष बने हैं उनको समझ नहीं रहा। वो मैंने उनको बिठाल के समझा भी दिया है कि हम घास छीलने के लिए जनप्रतिनिधि नहीं बने। हमने करोड़ों रुपए खर्च किए 7 करोड़ रुपए खर्च किया हूँ तब जो है मैंने कहा मैं चोलारी विधानसभा का विधायक बना हूँ और तुम हाँ और तुम जो है मेरे छपारा के मामले में इंटरफेयर कर रहे हो। बोले नहीं भैया मेरा ऐसा नहीं था वैसा नहीं था। तो फिर मेरी मुनमुन से और दुबे से दोनों से बात हो गई। फिर वो दोनों नीतीश के बारे में सहमत हो गए कि नहीं भैया जैसा आप चाहो वैसा होगा। नहीं मैंने कहा मैं जो चाहूँगा मेरी विधानसभा में वही होगा। आपके कहने से कुछ नहीं होगा ये दिमाग से आप निकाल दो। और आप यदि ज़्यादा इंटरफेयर करोगे तो मैं वीडी शर्मा को और संगठन मंत्री को जो है तुम्हारी शिकायत कर दूँगा। ये मैंने बिठा के उसको समझा। तो मेरा उसमें ये कहना था साहब कि नवीन को आपको हटाना चाहिए। जैन होने के बावजूद जो है इसके पहले जब लखनादून में रहा है वो और सिवनी थाने में भी रहा है तो गौ कसी के केस में इन्वॉल्व रहा और मुस्लिम लोगों से उसके कॉन्टेक्ट ज़्यादा नहीं है। और गौ कसी हाँ ये करता है साहब 100% करता है। इसकी धनौरा ससुराल है और इसकी ससुराल में प्रमुखता से जुआ सट्टे की धंधा है इसकी ससुराल में। एक्चुअली ये अराजक आदमी है। हम आपसे पहले बोलने वाले थे कि साहब उसको मत करिए लेकिन वो क्या हुआ कि वो हमारी बातचीत के पहले ही जो है वो आपने कर दिया वहाँ पे। तो जिनकी तरह वो अध्यक्ष जी मैं साहब थोड़ा सा आपसे अनुरोध कर रहा था। अध्यक्ष जी अभी नए नए अध्यक्ष बने हैं उनको समझ नहीं रहा। वो मैंने उनको बिठाल के समझा भी दिया है कि हम घास छीलने के लिए जनप्रतिनिधि नहीं बने। हमने करोड़ों रुपए खर्च किए 7 करोड़ रुपए खर्च किया हूँ तब जो है मैंने कहा मैं चोलारी विधानसभा का विधायक बना हूँ और तुम हाँ और तुम जो है मेरे छपारा के मामले में इंटरफेयर कर रहे हो। बोले नहीं भैया मेरा ऐसा नहीं था वैसा नहीं था। तो फिर मेरी मुनमुन से और दुबे से दोनों से बात हो गई। फिर वो दोनों नीतीश के बारे में सहमत हो गए कि नहीं भैया जैसा आप चाहो वैसा होगा। नहीं मैंने कहा मैं जो चाहूँगा मेरी विधानसभा में वही होगा। आपके कहने से कुछ नहीं होगा ये दिमाग से आप निकाल दो। और आप यदि ज़्यादा इंटरफेयर करोगे तो मैं वीडी शर्मा को और संगठन मंत्री को जो है तुम्हारी शिकायत कर दूँगा। ये मैंने बिठा के उसको समझा। तो मेरा उसमें ये कहना था साहब कि नवीन को आपको हटाना चाहिए।